शिव महापुराण यहां तक विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, कार्तिक खंड वर्णन करता है कि तुलसी का क्यारा गोल है, चौकोर है, षडाकार का है, उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर तुलसी का कुंड गोल है तो वो ऐश्वर्य प्राप्त करता है, तुलसी का कुंड चौकोर है तो वंश की वृद्धि करता है, तुलसी का कुंडा अगर षडाकृति का है, छह फलक वाला है तो वो घर में संपदा की वृद्धि करता है। ये तुलसी के कुंड का भी प्रमाण हमारे यहां शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुंडा कैसा होना चाहिए। तुलसी के कुंड की आकृति कैसी होना चाहिए, तुलसी का कुंड होना कैसा चाहिए, उसका भी प्रमाण हमारे यहां स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि आपको क्या किस रूप में चाहिए। पर जगत है ना, दुनिया के आगे हाथ फैलाओ, जाकर निवेदन करो, यहां वाले बाबा के पास होया, वहां वाले बाबा के पास होया, उसके पास होया, उसके पास होया, जगत के पास जाओगे दुख पाओगे, रुपया खाएंगे, चूना लगाएंगे, धक्के मारकर निकाल देंगे, दो चार आठ दिन घुमाएंगे फिराएंगे, कल आना, परसों आना, नरसों आना, ऐसा करना वैसा करना, बस बाबा यही घुमाते रहेंगे और तुम्हारे धन का चूना लगाते रहेंगे। पर निवेदन है इनसे बचकर शिव की शरण में जाकर भगवान शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार हम क्यों ना कर्म करें जिसका फल हम पा जाएं, हम क्यों ना ऐसा कर्म करें जिसके फल को हम पा सकें, हम क्यों भ्रमित हों। हमारे यहां तुलसी के कुंड का भी निवान विधान है, गोल कुंडा है ऐश्वर्य देगा, चौकोर कुंडा है, आप लोग कई बार देखे होंगे किसी किसी के यहां चौकोर तुलसी का क्यारा होता है, कुंडा होता है, वो वंश बढ़ाता है, षडाकृति का है वो धन देता है, संपदा देता है। दोष हमारा है, हम तुलसी के कुंड के नीचे शंकर जी को रख देते हैं, क्यों कि यही तुलसी जी को पानी चढ़ाएंगे, यही शंकर जी को चढ़ा देंगे, दोष है। तुलसी के कुंड के नीचे हम सर्प देव को रख देते हैं, नाग देवता रख देते हैं, पानी चढ़ाएंगे, पात्री रख देते हैं, नहीं, दोष। इसका दोष हम सबको स्वयं अगर गलती करते हैं तो स्वयं को बोल, कैसा कुंड हो, सात तरह के कुंडों का व्याख्यान तुलसी के रूप में कहा गया है महाराज, पहला गोल, दूसरा चौकोर, तीसरा षडाकृति, चौथा त्रिवेणी, तीन कोने वाला कुंडा। शास्त्र कहता है जिसके मार्ग घर में टुकड़े हो रहे हो, घर विभाजन की ओर हो रहा हो, तो तीन कोण का कुंडा घर में रखकर पूजा करने पर परिवार एक हो जाता है। पांचवा, गार्डन में बिना कुंडे का, बिना कुंड का जो तुलसी का पौधा रोपित होता है, बिना कुंड के एक बगीचा जैसा बो दिया जाता है, तुलसी तुलसी उत्पन्न हो जाती है महाराज, वहां पर संपदा तो रहती है पर चिंता बहुत रहती है, टेंशन बहुत रहता, क्यों, घर के दरवाजे के बाहर इतनी सारी बगीचे में तुलसा कर दी, कोई निकल कर जा रहा था उसने थूक दिया, कोई निकल कर जा रहा था उसने पानी डाल दिया, कोई स्वान ने, कुत्ते ने, किसी ने, बिल्ली ने गंदगी कर दी, उसका दोष आपको लगेगा, इसलिए कुंड के अंदर तुलसा का, तो वो धन तो देगा जो तुमने बगीचे में तुलसा लगाई है, गार्डन तुलसा का करा, वो धन तो देगा, संपदा भी देगा, पर चिंता को बढ़ा देगा। पांच, महाराज छठा, तुलसी के कुंड को तीन धार पर लटका कर रखना, कई जगह पर आपने देखा होगा तुलसी का जो कुंडा होता है उसको तीन जो तार होते हैं, तीन जो चेन होती है उस पे लटकाया जाता है महाराज, विष्णु पुराण उसका भी व्याख्यान करती है।
महाराज वहां व्यक्ति के कार्य उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे भोजन की थाली लग गई, भोजन तैयार हो गया, बस खाने बैठे हो और थाली खसक गई, समझ लेना कि तुलसी को अधर पर लटका कर रखा है। इसलिए कार्य तो हो रहे हैं, बनने वाले हैं, 4 दिन बाद ये काम होने वाला है, 8 दिन बाद ये काम होने वाला है, लग रहा है कि इसमें इतना फल मिलेगा, लग रहा है इस व्यापार को करेंगे तो इतना फायदा हो जाएगा, सब कुछ करा, लाखों रुपए लगा भी दिए, थाली मालूम पड़े खसक गई, अधर लटका है तुलसी। 7 क्रम है तुलसी के, ये 6ठा क्रम बताया। तुलसी का 7वां क्रम, तुलसी का 7वां क्रम है महाराज, तुलसी का कुंडा जैसा घर के आंगन में है, तुलसी का कुंड जैसे घर के आंगन में विराज रहा है, ऐसा ही छोटा सा कुंड भगवान के लिए रोपित करें। प्रतिदिन भगवान की सेवा करते समय तुलसी का कुंड सम्मुख रखकर उसकी आराधना करना, फिर उस कुंड को वापिस बाहर ले जाकर रखना, फिर दूसरे दिन पूजन के समय पर कुंड को लाकर रखना। हम तो यहां तक कहते हैं विष्णु पुराण गर्ग संहिता कल्याण का तुलसी अंग यहां तक वर्णन करता है कि आप पूरे साल ये नहीं कर सकते तो कम से कम कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड, चौकोर वाला, गोल नहीं, चौकोर कुंड लाकर भगवान के सामने रखकर छोटा सा कुंड का पूजन कर भगवान के साथ उस कुंड को वापस बाहर विराजमान करें, फिर कल लेकर आए, फिर विराजमान करें। आप पूरे साल नहीं कर सकते तो 1 महीना। उसका फल 1000 गुना प्राप्त होता है। तो किस चीज के लिए कहा गया कि तुलसी का कुंडा एक बाहर हो, एक घर के अंदर मंदिर के सामने पूजन के लिए रखा जाए? तो कहते हैं उस घर में वैभव, सत्ता, संपदा, लक्ष्मी, समृद्धि, शांति की कभी कमी नहीं, कभी कमी। प्राप्ति सुख की, आनंद की। 7 तरह के कुंड, 7 तरह के तुलसी के रूप का वर्णन हमारे यहां विष्णु पुराण में किया गया। 7, आप किस भाव से कर रहे हैं ये आप क्यों। महाराज स्त्रियों के, नारियों के जितने भी रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, रजोधर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती हैं, उसका भी व्याख्यान देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया। गुलर का फूल, अर्थात जो देवी जी को, माता जी को जो घंटी वाला फूल चढ़ता है लाल कलर का, गुलर का फूल माता के चरणों को छुआ कर, तुलसी के पौधे का स्पर्श कराकर जो नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं, उसके अंतर्गत वो फूल तुलसी का पौधा दिखाते हुए खिला दिया जाता है तो 3 दिन में उसको 2 दिन में आराम लग जाता है, 2 या 3 दिन आराम। महाराज तो शास्त्र कह रहा है आराधना में आप हाथ की माला, कर की माला ना भी रखें तो घट की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला आपके कंठ में होगी तो 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, उस श्वास के बल पर आपकी घट की जिभ्या से वो मंत्र जाप हो जाएगा, उसका पुण्य आपके खाते में। तुम्हारे गले में जो तुलसी की माला हो, तुम्हारे गले में जो रुद्राक्ष की माला हो, उसमें मन के 108 होना चाहिए या 108 से भी ज्यादा होना चाहिए। कम मन के की माला मत पहना गले में,
बारीक बारीक मनके की कर लो, छोटे से छोटे मनके की कर लो, 100 से भी ज्यादा हो, 108 से भी ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि गले में अगर तुलसी की माला होगी, गले में रुद्राक्ष की माला होगी, भले तुम